अस्सलामुअलैकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उजैफा, आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज के सी अटेंडेंस की बात करें तो आज फिर से हम लोगों ने स्टार्ट पॉजिटिव देखा था, इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। 78,334 के करीब का आज का हाई लगते हुए देखने को मिला। 250 पॉइंट इंटर डे टर्म के ऊपर गेन किए, लेकिन फिर रोजाना की तरह वही इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ हुआ है। केसी अंडर इंडेक्स पिछले एक महीने से जो है वो एक थिन रेंज के अंदर, रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही इंडेक्स जो है वो स्टक होता हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक है, फिर हमें सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली और क्लोजिंग हमें जो है वो 91 नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। इंडेक्स की क्लोजिंग आज हमें 78,000 बिलो क्लोजिंग देखने को मिली, 77,992 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। आज टॉप वॉल्यूम लीडर की बात करें तो कोसम जो है आज टॉप का वॉल्यूम लीडर था, डबल टॉप बना के नीचे है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। FFL के अंदर अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, डिसेंडिंग पैटर्न, उसने डिसेंडिंग पैटर्न का हालांकि ब्रेकआउट नहीं किया, वहां से रिजेक्शन ली है, लेकिन एक अच्छा हेल्दी वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है। यूसुफ वीविंग भी वॉल्यूम लीडर के अंदर था। आगा स्टील और दीवान फारूक मोटर, दीवान फारूक मोटर का एनालिसिस आप लोग के साथ डिटेल के अंदर शेयर कर दिया है। आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो मारी जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आया है इंडेक्स के अंदर, 156 ऑलमोस्ट 157.8 करता हुआ नजर आया। FFC 103 पॉइंट के करीब, एग्रो 96 पॉइंट, एग्रो जो है वो कल इसने 200 EMA का ब्रेकडाउन किया था, आज रीबाउंड करता हुआ नजर आया थोड़ा सा। ठीक है, नेशनल बैंक जो है वो 55.8 करता हुआ नजर आया, FABL 38 पॉइंट, FABL 27 पॉइंट और पाक ऑयल फील्ड 23.8 करते हुए केसी अंडरनेस में हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात करें तो BHL 61 पॉइंट, PKGS 49 पॉइंट, MCB 42 पॉइंट के करीब, हाइनून 38 पॉइंट, HBL 32 पॉइंट, मिलेट ट्रैक्टर 32 पॉइंट, हर हब पावर 26 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। आज वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में हम लोगों ने केसी अंडर इंडेक्स के अंदर कम जनरेट होते हुए देखे हैं। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 150 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 190.59 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 40 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 21% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स जो है वो जुलाई के मिड से जो है वो इसी रेंज के अंदर एक स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, और बार बार हमें जो है वो अपसाइड के ऊपर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है और डाउन साइड के ऊपर से सपोर्ट मिल जाती है। आज एंड लास्ट में भी देखें, लास्ट में कुछ हमें वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया है, लास्ट 15 मिनट डोजी कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है, और फिर दोबारा से यहाँ पे लास्ट के अंदर जो है वो थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट लास्ट 15 मिनट के अंदर 10 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है, थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो लास्ट मिनट्स के अंदर हम लोगों ने बाइंग देखी है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 78,000 बिलो होती हुई नजर आई है। इंडेक्स जो है वो पहले तो ये एक पैरेलल चैनल के अंदर स्टक हुआ हुआ, इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट जो है वो 78,200-180 के पास देखने को मिलेगा, इससे ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर हमें 78,360 से 440 जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इंडेक्स 78,000 बिलो ही होल्ड रहा तो फिर हमें मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो सपोर्ट एरिया 77,840 से लेके 77,800 के दरमियान देखने को मिलेगी। अगर ये ब्रेक हुई तो ये चैनल जो चल रहा है, चैनल का बॉटम यहाँ पे 77,640-76,630 तक हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। इंडेक्स को बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, बुलिश मोमेंटम कल के लिए अगर बात करें तो उसको इंडेक्स को 78,200 से ऊपर होल्ड होना होगा। 200 से ऊपर होल्ड होता है तो फिर हमें एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा, वॉल्यूम के अंदर भी एक्टिविटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी और आइटम्स के अंदर भी मूवमेंट आती हुई नजर आएगी। ये थिन रेंज के अंदर जो है इंडेक्स स्टक तो हुआ हुआ है, लेकिन जो है वो वॉल्यूम जो है वो थोड़े से कम है, और आइटम्स के अंदर जो है वो छोटे पैनी स्टॉक्स के अंदर वो काफी जबरदस्त किस्म की मूव देखने को मिल रही है। अगर कोसम को देखें, कोसम काफी ज्यादा टॉप पीछे कुछ दिनों के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की रैली बनाई है इसने। ठीक है, आज जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन हमें बनती हुई नजर आई है, 12 रुपए से ऊपर गया, एक टाइम के ऊपर कैप भी लगते हुए देखने को मिला था, लेकिन वहां से फिर दोबारा से माल डंप हुआ और ये 12 रुपए को सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर 3 और के कैंडल के ऊपर देखें तो डबल टॉप की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आई, और फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, 11 रुपए 10 पैसे तक का इसने लो बनाया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड लाइन की ये एक अच्छी सपोर्ट है, जो बीच में भी है, यहाँ से रिबाउंड हुआ था 10 रुपए के पास से, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 7 रुपए 70 पैसे से चलती हुई आ रही है और ऊपर 12 रुपए 12 रुपए 50 पैसे, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया है। अब जो सपोर्ट आ रही है वो 10 रुपए 70 पैसे, 10 रुपए 80 पैसे, 10 रुपए 50 पैसे के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, इससे ऊपर ऊपर है, बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है,
यहाँ पे कुछ दिन जो है वो 1-2 दिन आने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो इस रेंज के अंदर स्टक हो सकता है, ऊपर 12 रुपये 50 पैसे अब होल्ड होता है तो फिर हमें मजीद जो है वो थोड़ी सी बुलिश मूव अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे कि एक अच्छी जबरदस्त किस्म की मूव बना चुका है पहले, ये बड़े जबरदस्त किस्म की 3.5-4 रुपये से इसने मूवमेंट दी, फिर 6 रुपये का ब्रेकआउट हुआ 8 रुपये 80 पैसे तक, 8 रुपये 80 पैसे के बाद फिर 11-12 रुपये तक के इसके फाइनल टारगेट जो है वो 11 रुपये 70 पैसे तक का जो हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव होके फिर यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन के बाद अब जो बुल्स जो है वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हमें स्टक होता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट देखना होगा, ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर होता है या डाउन साइड के ऊपर तो फिर इसकी मूव हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के अंदर, जो ऑटो सेक्टर है जो थोड़ा सा प्रेशर के अंदर देखने को मिला, कॉल जो है वो 264, 262, 265 के पास वहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, आप लोग के साथ कल शेयर किया था कि यहाँ से ऊपर होल्ड होता है तो मजीद बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे ऊपर होल्ड नहीं हो पाया और फिर आज जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा, सेलिंग प्रेशर भी आया, GHNI के अंदर भी आया, साजगार भी जो है वो एक थिन रेंज के अंदर ही स्टक हुआ हुआ है, 1,000 रुपये 990 रुपये की सपोर्ट ले रहा है वहां से और ऊपर जो है वो 21 EMA से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, 1050 के पास अगर मूव आती है तो वहां से फिर इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। रिफाइनरी सेक्टर भी जो है वो एक स्टक हुई हुआ हुआ है, रिफाइनरी सेक्टर NRL जो है वो पैरेलल चैनल के अंदर स्टक हुआ हुआ है, तो सारी चीज आप लोग के साथ डिस्कस की भी है। ये अगर मैं बात करूँ कल के लिए तो ऑक्टोपस को देखते हैं, ऑक्टोपस का कल रिजल्ट भी है और जो है वो आज जो इसको देखें हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बना के यहाँ पे हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास जो है वो क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम जो है वो हमें जो है वो वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली है, आज कुछ खास वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर नहीं आए, पिछले कुछ दिनों से जो है लो एक्टिविटी ही इसके अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास क्लोज होते हुए देखने को मिला है और अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर EMA की बात करें तो 30 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये 30 EMA की सपोर्ट ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो मई के एंड से चलती भी आ रही है और कल इसका जो है वो सुबह रिजल्ट भी है। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूँ तो यहाँ पे देखें आप, ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा, ये जो सपोर्ट लेवल है इसका डिसेंडिंग पैटर्न भी है यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो अगर ये बुलिश मोमेंटम अगर बनाने के लिए इसको जो है वो यहाँ पे 102 से ऊपर होल्ड होना होगा, 102 से ऊपर होल्ड होता है तो फिर हमें इनिशियली फौरन फौरन जो है 103.50 और 107 और 108 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। 108 109 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, इससे ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर 113 और जो है वो 120 तक आता हुआ देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पिछले कुछ दिन से, यहाँ से ऑलमोस्ट देखे तो 7-8 दिन से जो है वो यहीं से 100 रुपीज को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, 98 का इसका स्टॉप लॉस होगा, इसके स्टॉप लॉस का इंशाल्लाह रिजल्ट भी है, अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है तो इसके अंदर बाइंग ऑन डिप वाली हो सकती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में खास याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।